हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर से। तो आज हम बात करेंगे मल्टीपल एसोसिएट असिस्टेंट और प्रोफेसर की वैकेंसी जो है वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में निकाली गई है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है वो एसआर यूनिवर्सिटी का, जिसमें उन्होंने बताया कि दे आर लुकिंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर विद पीएचडी फ्रॉम आईएससी, आईआईटी, आईएमटी, एनआईटी एंड अदर रेपुटेड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन। ठीक है, तो देखिए इन्होंने यहाँ पे जो है डिसिप्लिन, यहाँ पे इंजीनियरिंग में भी वैकेंसीज को निकाला है, चाहे वो डाटा साइंस में या साइबर सिक्योरिटी में हो या क्लाउड कंप्यूटिंग में हो। वहीं अगर बात की ह्यूमैनिटी एंड साइंस में, तो देखिए यहाँ पे फिजिक्स में, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स में, साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइंस, इंग्लिश, प्रोडक्ट डिजाइन में। वहीं यहाँ पे इन्होंने मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी वैकेंसीज को निकाला है। अलॉन्ग विद दैट एग्रीकल्चर साइंसेज में भी जो वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई है। तो एग्रोनॉमी में, जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग में, प्लांट पैथोलॉजी, सोयल साइंस, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, तो देखिए यहाँ पे जो है सारे सब्जेक्ट जो है वो मेंशन कर रखे हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपका जो है पीएचडी है और आप कोई रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से आपने किया है पीएचडी, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कीजिए और यहाँ पे आपको मिनिमम जो है यहाँ पे जरूर प्रेफरेंस मिलेगा अगर आपने जो है इन मेंशन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से अप्लाई किया है। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं। अब देखिए, ये जो आपको अपना जो सीवी है वो आपको भेजना है बाई 15 अक्टूबर 2020। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने अपना जो मेल आईडी वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, hr@sru.edu.in। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको अपना सीवी जो है सेंड करना है बाई 15 अक्टूबर 2020 में। चलिए हम देख ले दूसरा नोटिफिकेशन। तो दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो है मुथाया मल इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि ऑटोनोमस है, जो कि प्रेजेंट नमक्कल डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यहाँ पे सी एस सी, आई टी, ई सी, बायोमेडिकल, केमिकल, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मैकेनिकल, तो इन सारे सब्जेक्ट्स में जो है वो जो है वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है, जिसकी डेट जो है 11 अक्टूबर को यहाँ पे मेंशन कर रखी है, संडे 9:30 AM। तो अगर आपने जो अपना पीजी या पीएचडी डिग्री इन किसी सब्जेक्ट में किया है और आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली जो है वो वॉक इन इंटरव्यू देने जा सकते हैं, जिसका जो डेट है वो 11 अक्टूबर 2020 है, संडे 9:30 AM। तो चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की। जो अगला जो नोटिफिकेशन निकला है वो है मनोहर भाई पटेल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि अकोला में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो है डिफरेंट पोस्ट दे रखी है, चाहे प्रिंसिपल की हो, चाहे एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ पे देखिए इन्होंने जो सब्जेक्ट वो मेंशन कर रखे हैं, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, बॉटनी, फिजियोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, देखिए सारे सब्जेक्ट जो है यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। आप जिस भी सब्जेक्ट में आपने पीजी या पीएचडी डिग्री कर रखी है तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट में। देखिए सारे इन्होंने असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर की भी जो वैकेंसी है वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें एग्रीकल्चर, बॉटनी या फिजियोलॉजी के लिए, तो यहाँ पे 2 वैकेंसी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और जो 4 वैकेंसी वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसके साथ ही इन्होंने अदर पोस्ट भी यहाँ पे मेंशन कर रखे थे, जूनियर असिस्टेंट, एग्रीकल्चर असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, गार्डनर, प्योर स्वीपर। तो देखिए सारी वैकेंसी जो है वो यहाँ पे जो है मेंशन कर रखी है। तो अगर आप इनमें से किसी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा अगला नोटिफिकेशन। तो नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो है श्री स्वामी समत विद्या प्रसारक मंडल तेल बगलान संचालित। ओके, तो ये जो है कॉलेज यहाँ पे आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज रेवलगन ताल मालेगौन, जिसकी नासिक में है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने देखिए दे आर इन्वाइटिंग एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग एड वॉक नॉन ग्रांट पोस्ट फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-2021। यहाँ पे देखिए इन्होंने सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, चाहे वो कॉमर्स हो, मराठी हो, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बॉटनी, तो सारे सब्जेक्ट में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को यहाँ निकाला गया है। साथ ही साथ इन्होंने रिजर्वेशन भी यहाँ पे दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बॉटनी में, तो यहाँ पे 1 वैकेंसी एससी के लिए, 1 ओबीसी के लिए, 1 ओपन है, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 बीजीएनटी के लिए। ठीक है, और जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन या पे स्केल है वो मिलेगा आईएएस पर सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे एंड द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जो 1 पोस्ट है वो रिजर्व है हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो देखिए ये सब जो है अब आपको करना क्या है, आपको अपना एप्लीकेशन सेंड करना बाई ईमेल एड्रेस के थ्रू, यानी कि बाई ईमेल आपको अपना जो है एप्लीकेशन वो सेंड करना है और
जो अगर आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आपको EDA कुछ भी नहीं दिया जाएगा, और आपको कंप्लीट एप्लीकेशन अलोंग विद दैट फुल रिज्यूम एंड नेसेसरी डॉक्यूमेंट शुड बी सेंड वाया ईमेल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना CV भेजना है और साथ ही साथ आपका जो भी 10th से लेके जो भी PG डिग्री या PhD डिग्री तक का जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, या और साथ ही साथ जो जो भी आपका एक्सपीरियंस रिसर्च एक्सपीरियंस है उसका भी जो है आप जो है एक्सपीरियंस या उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी आप सेंड कर सकते हैं वाया ईमेल। ठीक है, तो ये था एक नोटिफिकेशन। आप देख लेते कुछ और नोटिफिकेशन। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है हमारा शशि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑटोनोमस इंजीनियरिंग में। यहाँ पे देखिए जो पोजीशन निकाली गई है वो प्रिंसिपल की है, प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर इन पॉलिटेक्निक फिजिकल डायरेक्टर लैब असिस्टेंट प्रोग्रामर फिटर्स मैकेनिक्स कारपेंटर अकाउंटेंट सीनियर असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट रिकॉर्ड असिस्टेंट। तो देखिए इतनी जो पोजीशन वो निकाली गई है, अब आपका जो क्वालिफिकेशन है वो जिस बेस पे हो आप जो है उसकी बेस पे जो है अप्लाई कर सकते। देखिए जैसे इन्होंने मेंशन किया क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस पर AICTE और JNTU के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, साथ ही इन्होंने पे स्केल भी यहाँ मेंशन कर रखा है, तो यहाँ पर आपको 7 पे स्केल मिलेगा। ठीक है, और जो फिजिकल डायरेक्टर यहाँ पे देखिए तो 15,000 एबो यहाँ पे सैलरी मिलेगा फिजिकल डायरेक्टर के लिए। लैब असिस्टेंट प्रोग्रामर या फिटर या मैकेनिक या कारपेंटर के लिए बिटवीन 12,000 to 20,000। तो ये जो है वैरी कर सकता है, वो डिपेंड करता है आपने जो है इंटरव्यू कैसा दिया है। वही अगर बात करें अकाउंटेंट सीनियर असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट रिकॉर्ड असिस्ट की, तो यहाँ पे जो है आपको जो पे स्केल मिलेगा वो 10,000 to 18,000 मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा जो है वो वेरी करेगा आपका कि आप जो इंटरव्यू में कैसा परफॉर्मेंस देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने जो क्वालिफिकेशन पे स्केल भी मेंशन कर रखा है, अगर आप इसके लिए इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई जरूर करें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।